फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। वेल, आज मैं आपके साथ स्किन की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसी रेमेडी जो कि आपकी स्किन को ग्लास स्किन करेगी। ग्लास स्किन का मतलब क्या होता है? शीशे जैसी चमक गई आपकी त्वचा? नहीं, ग्लास स्किन का मतलब वो होता है जिसमें आपकी त्वचा बिल्कुल बेदाग हो, जिसमें किसी भी तरीके के कील मुहासे ना हो, जिसमें झाइयाँ ना हो और जिसमें दाने, पिंपल, एक्ने कुछ ना हो। तो उसको कहते हैं बेदाग। मतलब जब आपकी स्किन पे कुछ होगा ही नहीं तो स्किन क्या होगी, एकदम ग्लोइंग हो जाएगी, चमकेगी, और जिसे कहते हैं ग्लास स्किन। तो जैपनीज एंड कोरियन जो अपनी त्वचा में त्वचा को ग्लो करने के लिए, त्वचा को सॉफ्ट करने के लिए, त्वचा को बहुत ज़्यादा निखार देने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे एक क्लीन बोल लेना है, और पहले ही बता दूँ कि इस पैक को आपको बना के स्टोर नहीं करना है, तो उतना ही लीजिए जितना आप पूरा कंप्लीट अपने चेहरे पे और नेक एरिया में लगा सकें, और मतलब उतना ही बनाएं जितना आपको अप्लाई करना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका मेन इंग्रेडिएंट लेंगे जो कि है राइस। तो राइस पाउडर आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। एक चम्मच आपको चावल का आटा लेना है। चावल का आटा ईजिली आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। चावल का आटा आपकी त्वचा को ब्राइटन करता है, वाइटन करता है और टाइटन करता है। ये आपके स्किन के ब्लैक हेड्स को भी दूर करता है और डेड सेल्स को भी, यानी कि जो मृत त्वचा होती है उसको भी निकालता है। तो एक चम्मच आपको यहाँ पे चावल का आटा लेना है। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे लेनी है कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है और आप किचन वाली हल्दी इस्तेमाल करें तो उसकी मात्रा आप कम रखेंगी। हल्दी में एंटीसेप्टिक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारी त्वचा में किसी भी तरीके के रैशेस हों या इचिनेस हो या रेडनेस हो उसको दूर करती है। साथ ही साथ ये आपके चेहरे की झाइयों के लिए, दाग धब्बों के लिए भी अच्छी होती है। स्किन के मैल को दूर करती है और ये आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। यानी कि ये ग्लो मीन्स होता है कि आपके चेहरे में और ज़्यादा चमक बढ़ाने का काम करती है। तो मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी ली है। इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर दें। अब इसके बाद आपको इसे मिलाने के लिए ऐड करना है कच्चा दूध, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हमारी त्वचा के लिए। हमारे चेहरे की क्लिंजिंग कर देता है, हमारे चेहरे से मैल को, मिट्टी को, गंदगी को दूर कर देता है, हमारे चेहरे को सॉफ्ट बनाता है, हमारे चेहरे के पोर्स में जो मिट्टी, गंदगी, धूल है उसको साफ कर देता है, और हमारे चेहरे की झाइयों के लिए भी अच्छा होता है, स्किन को स्मूथ और सपल बनाता है। चेहरे के लिए कच्चा दूध बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसे सिंगल डेली सिर्फ कच्चा दूध से भी अपने चेहरे की सिर्फ क्लिंजिंग भी करती है ना, तो बहुत आपको इसका असर देखने को मिलेगा अपने चेहरे पर। चार चम्मच आपको यहाँ पे रॉ मिल्क लेना है और इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको अपने चेहरे को पहले अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है। देन इसके बाद इस पैक को अपने पूरे चेहरे पे और नेक एरिया में अप्लाई करना है, और अपने हैंड से ही, आप चाहे तो ब्रश का भी यूज़ कर सकती हैं। पूरे चेहरे पे अप्लाई करने के बाद आपको साथ ही साथ मसाज करना है। मसाज करना बहुत ज़रूरी है, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारे चेहरे का जो ग्लो होता है वो और ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा निखरता है। इस तरीके से जब आप सर्कुलर मोशन में नोज़ एरिया के आसपास
आप रब करती हैं तो आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स सॉफ्ट होते हैं और वो ईजली बाहर आ जाते हैं। 5 से 10 मिनट इसे अच्छे से आपको मसाज करना है हल्के हाथों से, एंड इसके बाद अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। मुश्किल से सिर्फ 2 मिनट मैंने अपने हाथों में मसाज किया था और स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन हो गई है, साथ ही स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है मिल्क, रॉ मिल्क। तो आपको इस पैक को लगाना है और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको इसे अप्लाई करना है अपने पूरे चेहरे पे। तो इस पैक को बनाइए, यूज़ कीजिए, अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आई हो तो, एंड शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।